इस टूर्नामेंट को किया, उसके लिए श्री अमरीला जी आपका भी शुक्रिया। आजकल तो लोग कहा दिन फलानवा पे तो वो कम आवत है, ओका का कर बुलावत है, मतलब अब यो कुल चले लगा है, फॉलोअर तक बात ना रहेगी। के मैसेज कर रहा था तो चलिए, जो टीम मुकाबले को जीतेगी, तालिब भाई जुड़ जाए, तालिब भाई, धनंजय राय, अर्जुन, और मैं देख रहा हूँ शर्मा साहब, चित्तेपुर, मतलब दुबामा, बहुत सारे कमेंटेटर चलकर आए हैं, इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं, तमाम लोगों का वेलकम। लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज दोस्त तालिब सिद्दीकी का, जो किसी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं, तिरुपुर बजवार में अपनी आवाज की बदौलत परचम लहराया। आइए मुकाबले की पहली गेंद और हवा में गेंद है, पूरी तरह से जो पावर प्ले आन है उसका फायदा उठाया है बल्लेबाज शहजाद ने, और फिर थोड़ा सा खराब है और इस बार गेंद चली जाएगी बेको पॉइंट के क्षेत्र में। चार चार रन का इशारा आ रहा है अंपायर का, इस चार के साथ स्कोर कार्ड का आगाज हो रहा है, चार के साथ स्कोर कार्ड का आगाज हुआ है और शहजाद ने इस चार के साथ अपने स्कोर का आगाज किया है। और मैं देख रहा हूँ ये पूरा मेहमान, मैं जितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ कम है, चाहे फेमस फैशन पॉइंट के ओनर साकिब साहब हो, आसिफ भाई हो, पप्पू भाई हो, रिजवान भाई चित्तेपुर हो, जुनैद भाई, शमशेर भाई, वैकरांगी के खुर्शीद आलम, ये लगातार टूर्नामेंट से जुड़े हैं, मोहम्मद भाई दमाद त्रिपति, जिनके नामे नामी इस टूर्नामेंट को इनाकार किया गया, उसके प्रोप्राइटर है, ओनर है। और जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी ₹1,000 का नगद तस्वीर में लगता हुआ अपील हो रही है, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर ने कहा आप अपील क्यों कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। आइए वाइट का इशारा किया और क्या घसब का ब्रेन वॉश किया जा रहा है तालिब भाई, जितनी भी तारीफ की जाए इस एक्टिविटी के लिए कम है, बस मैं यही कहूंगा, यहाँ पर अंपायर दानिश और अबूजर की तारीफ करनी होगी। और तालिब भाई मैं चाहता हूँ कि आगे क्या कुछ हो आपकी जुबान में गुनगुनाया जाए, 500 का इनाम हर हैट्रिक छक्के पर, हर हैट्रिक विकेट पर 500 का इनाम मोहम्मद खान बकरा, और हर हैट्रिक छक्के पर 500 शमशेर भाई, 500 डॉक्टर सुहेल आजमी MBBS, 200 जुनैद भाई और 200 पप्पू भाई, यानी कि कुल मिला जुलाकर कितना इनाम हो गया, 5, 3, 15, 2, 17 और 2, 1900, ये क्या दशक का इनाम लगा, 1900 लगातार 3 छक्के पर, इस बार क्या फंसेंगे शहजाद जी, नहीं क्या कहेंगे तालिब भाई, मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ी गलती, इस गलती की भरपाई आप अब नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्या कहेंगे, बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ कि कैश नहीं छोड़ा है, मैच छोड़ा है, पिछले मुकाबले में भी मैंने कहा था कि जो कैच अंजर ने पकड़ा था वो पूरे मुकाबले को चेंज कर दिया था, कैचेस विन मैचेस ये लगातार कहता मैं आ रहा हूँ कि कैच जब आप पकड़ते हैं तो जीतने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन इस वक्त इस मुकाबले में ये कैच जो छूटा है शहजाद का, लेकिन अभी स्ट्राइक पर अदनान पहुंचे हैं, शहजाद और अदनान की ये जोड़ी बड़ी शक्तिशाली, या कह सकता हूँ कि बहुत जबरदस्त शक्ति भरे शॉट ये इनके बल्ले से निकलते हैं, बिल्कुल आग निकलती है जब इनके बल्ले से शॉट निकलते हैं, और इसका पिछले मुकाबले में अदनान ने दिखाया था कि क्यों वो इस टूर्नामेंट में बहुत खास बन जाते हैं, बहुत ही प्यारी बल्लेबाजी, स्कोर पहुंचा है 6 लगातार, मैं देख रहा हूँ कि इनामों की राशि, और भारत इंडिया हमारा जो है दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेटों से जीत चुका है, तमाम लोगों को मुबारकबाद। अगली गेंद और ये क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, फटलेस वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 3 ओवर का मैच हो रहा है, 3 ओवर मनपारपुर वाला बुलेट, डॉक्टर सरफराज आजमी साहब का आगमन हो चुका है, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए, लगातार मैं देख रहा हूँ कि समाज के तमाम किरदारों को जोड़ा जा रहा है जो इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं भाई, अभी देखिए आगे कैसे राउंड बनता है, क्योंकि ये दोनों टीमें जो है सबराहत भी आज अपना दूसरा मैच खेली है और मंजीर पट्टी भी शायद अपना ये रही अगली तीसरा मैच खेल रही है, तो ऐसा कुछ है, अभी राउंड मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं, मैं रोवा कप में था, तय करती हुई
महंगे साबित हो रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वापसी कर पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। 16 का स्कोर हो चुका है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट की खास खूबसूरती रौनक को बढ़ाकर रखा हुआ है दमास प्रॉपर्टी। इसके बाद इस मैच के बाद ही आगे का राउंड बनेगा भाई, देखना है पर्ची उड़ती है या क्या होता है। श्री राम लखन प्रधान जी दुबाबा, अबू अम्मार अल्तमश साहब, न्यू गैलेक्सी मार्बल नोनारी, सादिक साहब, साकिब आजमी और साथ ही साथ आसिफ आजमी को देखा जा रहा है। अमृत लाल साहब को भी देखा जा रहा है। डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, आफिज आजमी को देखा जा रहा है। पप्पू भाई चिकन सेंटर, शमशेर अहमद साहब, विक्रांगरी केंद्र, नोनारी आजमगढ़, जुनैद साहब और साथ ही साथ फरहान साहब, कयूम साहब, खुर्शीद आलम साहब, फरहान साहब, आसिफ भाई नोनारी, ये तमाम लोग इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। स्कोर एक ओवर के बाद 16-5 की जब तक हुई है। तालिबान में बता दो, इस वक्त श्री राम लखन वर्तमान प्रधान दुबावा 100 रुपए का इनाम लाइव टेलीकास्ट करने वाले कस्बा माहौल स्पोर्ट को, और 100 का इनाम जो है एमएस आजमी स्पोर्ट को, 100 का इनाम 100 का दोनों अंपायर को, और हमारे दोनों मेहमान कमेंटेटर, हमारे दोनों मेहमान कमेंटेटर अबू तालिब और धनंजय राय अर्जुन। भाई इस मैच के बाद आगे का राउंड क्लियर होगा तभी बता पाऊंगा किसका मैच का। प्रधान दुबामा और हल क्राउड कैच पर 100 रुपए उनकी तरफ से और बढ़ गया है। खेतासराय है भाई, छक्के की हैट्रिक। यहाँ जो फिलहाल टीम मैं देख रहा हूँ ये दोनों टीमें हैं। इसके बाद अभी और जो टीमें बैठी हुई है वो है दरियापुर बसई, खेतासराय, खंडवारी। तो मुझे लगता है इसमें से जो एक टीम जीतेगी उसके बाद आगे का राउंड सेट होगा भाई। बिल्कुल, अगर फैस की बात आ रही तो मैं बता दूं कि अंडर आर्म में बहुत ही जबरदस्त ये खेल बल्लू लोग गिरा थी, गेंदबाजी मैंने देखी थी इस दमास कप में, क्या जबरदस्त, बिल्कुल युद्धवंदर चहल वाली स्लोअर करते हैं ये। इस बार गेंद को लॉफ्ट किया है वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल। हाँ भाई, जागापुर भी इस टूर्नामेंट में है तो मुझे लगता है आखिरी पांच टीमें बचेंगी तो उसमें हो सकता है, जो मेरा प्रिडिक्शन कह रहा है कि पर्ची उड़ाई जाएगी, तीन टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, दो टीमें क्वार्टर फाइनल में रहेंगी, तो एक क्वार्टर होगा जो मुझे लग रहा है। बाकी अभी इस मैच के बाद क्लियर होगी सारी चीजें। आसिफ आजमी की तरफ से जो भी क्राउड कैच करता है उसको 400 के साथ एक स्पोर्ट की किट दी जाएगी। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, लगातार लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने के लिए, और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज और पैगाम दिया जा रहा है कि ये अहले ननारी का टूर्नामेंट है, ये किसी एक का टूर्नामेंट नहीं है। मुहिम जो चलाई थी, जो शुरुआत की थी हमारे अजीम शेख ने, और उसके बाद से लगातार कदम से कदम मिलाकर लोगों ने साथ दिया है। अब नए गेंदबाज हारिस को बुलाया है। हारिस के बाद अगर की जाए तो सबरहत का, या मैं कह लूं कि खेतासराय का ये जबरदस्त खिलाड़ी, राम लखन जी का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। प्रधान दुमावा लगातार इस टूर्नामेंट में हौसला अफजाई कर रही है, लगातार कमेंटेटर्स के साथ साथ स्कोरर दोनों स्पोर्ट लाइव चलाने वाले कस्बा माहौल स्पोर्ट और साथ ही साथ एमएस स्पोर्ट आजमी राशिद साहब और साथ ही साथ दोनों अंपायर को 100 रुपए का इनाम दिया है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और तालिबी दर्शकों को बताते रहे, हर दर्शक का इस पर 400 का इनाम है, हर दर्शक का इस पर 400 का इनाम, एक खूबसूरत स्पोर्ट टी शर्ट फेमस फैशन पॉइंट आई है और एक मुशायरे का पास। ये बहुत बड़ा इनाम, मेरे ख्याल से खिलाड़ियों से ज्यादा इनाम तो दर्शकों के लिए लगाया गया। इस बार गेंद निकल गई है, अंपायर का फैसला आना बाकी है, छक्के का इशारा कर दिया है और जो दर्शक बाउंड्री लाइन के अंदर बैठे हैं, बराए मेहरबानी, ये आपका टूर्नामेंट है, ये आप लोगों का टूर्नामेंट है, आप लोग जो पर्दा लगा है बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे तो अच्छा रहेगा, जो लोग पर्दे के अंदर बैठे हुए हैं आप लोग बाहर हो जाए तो बेहतर रहेगा, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई आपत्ति ना आए, कोई भी ऐसा फैसला ना हो जाए जो पूरे टूर्नामेंट को खराब कर दे। तो ये आप तमाम लोगों का ही टूर्नामेंट है, आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो फिर ये टूर्नामेंट कामयाब नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूँ तमाम लोग अब उठकर बाहर जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि बातों पर लब्बैक कहा। स्कोर इस चौथे के साथ, छक्के के साथ पहुंच चुका है 27 27 रनों पर। ये क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को जरूर मिल रही है यहाँ पर शहजाद और अदनान की जो जोड़ी लगातार धुआंधार बल्लेबाजी
कर रही है। मंजीर पट्टी ने जैसा पिछले मुकाबले में खेल दिखाया बिल्कुल वैसा ही खेल के साथ शुरुआत की है, लेकिन वहीं सबरहत जौनपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं नसीरपुर जैसी मजबूत टीम को हरा कर इस मुकाबले को खेल रही है। राइट हैंड ओवर द विकेट लास्टेड वे ओवर द फेंस फॉर अ ह्यूज सिक्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट सिक्स दैट वॉज इन द इंडिकेटेड बाई अंपायर। अब हैट्रिक पर है, 2100 रुपए की बात है अगर इस गेट पर छक्का लगा शाम तो तक फाइनल होगा, आज शाम तक फाइनल होगा। हाँ भाई खैरियत है भाई, क्या मिलेगा या नहीं ये तो आने वाली अगली गेट बताएगी, लेकिन सिता सराय का भी क्लियर होगा भाई थोड़ी देर में। ये रही अगली गेट, ये रहा टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक छक्का। ये छक्का नहीं था, ये 21 एक बार ताली बजा दे बल्लेबाज शहजाद के लिए, लाजवाब बल्लेबाजी, 2100 रुपए का इनाम। 500 तमाक प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर मोहम्मद खान बखरा, 500 शमशेर भरी नोलारी वैकरांगी के। इस मैच के बाद पर्ची उड़ने की संभावना है, 5 टीमें बचेंगी, इस मैच के बाद 5 टीमें बचेगी, उनके बीच पर्ची उड़ाई जाएगी, 3 टीम सेमीफाइनल में, 2 टीम क्वार्टर फाइनल में। और 200 रुपए राम लखन वर्तमान प्रधान दुबावा, 2100 रुपए का इनाम आ चुका है बल्लेबाज शहजाद के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा क्या चौथा छक्का लगेगा तालिम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शहजाद ने आज बता दिया है कि वो किस लेवल का बल्लेबाज है। इस बार सिर्फ हवा में गेंद तैरती हुई और कैच छूटा है बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन क्या जबरदस्त वहां पर क्षेत्र रक्षण किया गया है, बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र रक्षण किया गया है। निश्चित ही गेंद चौके के लिए जा रही थी लेकिन हवा में गोता लगाकर फील्ड में वापस आ गया है। ठीक है बच गए एकदम शहजाद, आप खड़े रहे दोस्त, आप अच्छे बल्लेबाज है। दौड़ कर 2 रन पूरे कर लिए हैं। क्या है फैसला अंपायर बता दें, इशारा किया है शहजाद बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, खूबसूरती के साथ अपने गेम को शो कर रहा है। आज दमास कप 2023 का आखिरी दिन, फाइनल डे का ये जो मुकाबला चल रहा है, और कहीं ना कहीं आज शहजाद का बल्ला बहुत जबरदस्त तरीके से बोल रहा है, बल्लेबाजी हो रही है, छक्का छक्का छक्का, उसके बाद ये दो रन। मतलब भाई दुबावा को शहनवाज भाई को मैं देख रहा हूँ, दर्शक जो बाउंड्री लाइन के अंदर है उस पर्दे को छोड़कर बैठे ताकि कोई भी दिक्कत खिलाड़ियों को ना हो। स्कोर पहुंचा है 2 रनों के का स्कोर, शहजाद और अदनान की सलामी जोड़ी बिल्कुल। और साथ साथ एक और जानकारी, कल लोनिया डी में जो है मंजीत पट्टी टीम को आउट ऑफ टूर्नामेंट किया है सबरहत टीम ने, क्या उस इतिहास को दोहरा पाएगी या फिर आज मंजीर पट्टी बदला लेगी नोनाली के ग्राउंड पर देखा जाएगा। यस क्रिकेट इज ऑल अबाउट रिवेंज एंड वी विल वेट फॉर दिस मैच, डिसीजन दैट वी विल विन बिकॉज यस्टरडे वी हैड सबरहत बीट मंजीर पट्टी एंड टुडे इज द गेम इन द सेकंड ओवर ऑफ द गेम। स्कोर कार्ड नाउ शोइंग 45 ऑन द बोर्ड इन द सेकंड ओवर ऑफ द गेम, the 3+3 overs game, and after this match who will playing the game of list score card is 45, 45 runs ka score zarur hua hai aur lagatar bahut mahange sabit ho rahe hain. Is over mein Faiz bata rahe hain ki 24 run ab tak aa chuke hain, kahin na kahin ab Usad bhai jo catch chhota tha pehle over mein Shahzad ka, tabhi maine kaha tha ki ye catch nahi chhoda hai, ye match chhoda hai Sabrahat ne. Score 45 तैयार, सामने वाले छोर से राइट हैंड ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी करते हुए, इट्स इन द आर्क एंड आउट ऑफ द पार्क, लवली बैटिंग डिस्प्ले बाय, वालेकुम सलाम। एक और छक्के के साथ 51 रन का स्कोर हो चुका है, आरपीएस मंजीर पट्टी से हार गई है। ओवर में 51, पिछले ओवर में जागापुर, अभी देखते हैं आगे। बहुत महंगा ओवर रहा जहां पहले ओवर में 21 रन आए थे, दूसरे ओवर में हारिस के आए हैं 30 रन, एक ओवर 21, एक ओवर 30, लगातार इनामों की
मैं कह रहा हूं कि बारिश से हुई है आज। पप्पू भाई की तरफ से 200, शमशेर साहब विक्रांगी केत की तरफ से 500, डॉक्टर सुहेल साहब MBBS की तरफ से 500। आज इस टूर्नामेंट के खास मेहमान मोहम्मद खान साहब बखरा प्रोप्राइटर दमास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से 500 और राम लखन जी प्रधान जी दुबामा की तरफ से 200। तमाम इनाम लगाए गए, जुनैद साहब की तरफ से 200, बहुत सारे इनाम लगाए गए हैं। 8 गेंद पर 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शहजाद। 8 गेंदे 35 रन, क्या खूबसूरत, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की वो कम है कि थोड़ा सोचो फिर भी एक बात लिखो, जिस बात लिखो तेरी तारीफ लिखो या फिर याद लिखो। वन मोर एरर टू द टैली, अनदर हीरो सिक्स वे ओवर द कमेंट्री बॉक्स फॉर अनदर जाइजेंटिक सिक्स, अनदर हीरो सिक्स, अनदर माउंटेनियस सिक्स वे ओवर द बाउंड्री लाइन फॉर अनदर सिक्स। नाउ स्कोर अच्छा भाई शुक्रिया 57 रन। बिल्कुल कहा जा सकता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। वहीं पर अगर ये कहा जाए कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो ये देखकर आज अदनान भी कह रहे हैं कि मैं भी लगाने वाला हूँ। पहला छक्का आ चुका है, पिछले ओवर में हैट्रिक बनाई, 2100 का इनाम अपने नाम किया है शहजाद ने। अब अदनान की बारी है, स्कोर इज 57 ऑन द बोर्ड, 57 रनों का जागापुर है यहाँ पर भाई। लगातार मैं देख रहा हूँ कि लोगों का इस मैच के बाद 5 टीम बचेगी, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया, उनमें पर्ची उड़ेगी। अंपायर गेंद दोनों ही सही, गेंद दोनों ही नहीं है सरदार भाई, और क्योंकि वक्त कम है इसलिए आप भी अगर साथ दे तो बेहतर होगा। लगातार शानदार बल्लेबाजी हो रही है, शॉट वाले दो छक्का, एक और छक्का लगा दिया है, दो गेंदे दो छक्के। अब हैट्रिक पर है अदनान, अब हैट्रिक पर अदनान 2100 अब फिर से 500 रुपए शमशेर साहब विक्रांगरी केंद्र, जुनैद साहब 200, पप्पू भाई 200, रामलखन प्रधान अब्दुल बाबा 200 और दमास त्रिपाठी ट्रेडिंग कंपनी मोहम्मद खान साहब का खराब 500। आज फाइनल है, बहुत सारे इनाम लगाए गए हैं। हाँ भाई सीमेंटेड जो कैश प्राइज है उसको छोड़ दीजिए, अभी तो भी फाइनल में जब कैश प्राइज मिलेगी। Here we go for the finals, hat-trick ball, but this time well Yorker, toe crusher from the right-handed on the block hole and dig it out well. बाईस और लेग बाईस सिंगल अंपायर बता दें, बैट का इशारा किया अंपायर ने कि बल्ले से गेंद लगी थी। दानिश आजमी और अबूजर आजमी ये दोनों अंपायर इस मुकाबले में बेहतरीन अंपायरिंग कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है अंपायर की और किसी भी टूर्नामेंट को खास बनाने की। इस बार बहुत अच्छी खेल, पैर पर लगी जरूर है, दौड़कर एक पूरा कर लिया है, एक के साथ स्कोर पहुंचा है 65 रनों पर। पारी का ये अंतिम ओवर जरूर चल रहा है, 65 इज द स्कोर एट द मोमेंट। द विनर प्राइज ऑफ 40,000 कैश प्राइज अलोंग विद द सेकंड रनर अप संजयपुर भी हार गई है। अभी भी जो टीमें हैं दरियापुर बसई, जागापुर खंडवारी और दोनों टीम तो ना बैठी और इसमें से एक टीम जीतेगी, एक टीम और रोई भाई, 5 टीम है। हाँ खेतासराय पैरों पर फिर से यही गेंदबाजी करनी थी, पहले वैसे करनी थी, लगातार पैरों पर आती हुई गेंद, 3 लगातार खेतासराय खंडवारी जागापुर दरियापुर बसही और इसमें से जो जीतेगा 400 की जगह 500 कर देगी, उनके बीच पर्ची उड़ेगी तो 3 टीम सेमी में पहुंच जाएगी और एक क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। मोहम्मद भाई मोहम्मद खान साहब बखरा की तरफ से 100 यानी 500 रुपए और फैशन पॉइंट की तरफ से यहाँ पे क्राउड कैच की बात है तो कहीं लोग अपने हाथ पर तोड़ाने से नहीं चुप रहे, बिल्कुल कूद जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 500 की बात है और आजकल तो दिहाड़ी भी इससे कम है। 500 रुपए का इनाम क्राउड कैच पे, साथ में फैशन फेमस फैशन पॉइंट साकिब आजमी आसिफ आजमी की तरफ से एक शानदार एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट किट ये दर्शकों के लिए है और साथ ही साथ 26 फरवरी को जो मुशायरा होने वाला है उसका फर्स्ट प्राइस 40,000 सेकंड प्राइस बहुत सारे इंतजाम किए गए। स्कोर कुल मिलाकर हो चुका है 72
73 रनों का टारगेट है। और बताया जा रहा है अभिषाद भाई की तरफ से कि अगर मतलूब भाई अगर दुबावा कैच करते हैं तो ये सारे जो इनाम रखे गए क्राउड कैच को डबल ट्रिपल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ मतलूब भाई के लिए है टारगेट क्राउड कैच के लिए। मैंने कहा कि आइए बैठिए, लेकिन नहीं, कहा कि क्राउड कैच गांव का अपना मुकाबला अपना मैच है, मैं ग्राउंड के बीचों बीच से मुकाबले को देखूंगा। लगातार मैं देख रहा हूं कि तमाम टूर्नामेंट के मेहमानों को आसिफ साहब ननारी, फरहान साहब, खुर्शीद आलम साहब, कयूम साहब, वकास अहमद, जिशान साहब बीडीसी ननारी, वकास अहमद साहब, पप्पू साहब चिकन सेंटर, शमशेर अहमद साहब कैमरी केंद्र ननारी आजमगढ़, जुनैद अहब महफूज साहब दमास्कर, मिस्टर मोहम्मद खान साहब बखरा। भाई कोई बाहर नहीं होगा, क्या सेट करो छतरिया क्राउड कैच तो मोहम्मद खान साहब बखरा की तरफ से। जुनैद भाई कोई टीम बाहर नहीं होगी, बस उसमें जो जेकी किस्मत तेज हुई उस सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाए और जेकी किस्मत तनी में गड़बड़ हुई क्वार्टर खेलने पर मजबूर हो जाएगी दो टीम। जोड़ी पहुंच रही है एंड वी आर वेलकमिंग यू ऑल फॉर द रन चेस फॉर अ वंडरफुल रन चेस। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग रन चेस बिकॉज 73 इज नेवर बी एज द टारगेट ऑफ द लास्ट 18 डिलीवरीज बट टू आफ्टर टू सबरहत साइड हारिस एंड नसीम मेकिंग देयर वे इनटू द मिडिल नाउ फॉर द लास्ट 3 ओवर्स ऑफ दिस मैच व्हाट विल हैपन इन द गेम माय फेलो कमेंटेटर मिस्टर धनंजय राय अर्जुन। कुछ लगाए ऊपर नहीं पट्टी मत बनवाए पकड़ ली मार दिए खत्म। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह भाई वे कैचवा मैचवा बना दिए ना भाई। 3 ओवर का ऐसे है कि 10 उस दिन होएगा और फाइनल अभी तक ना हुआ है। कमेटी कितने दिन झेली। चलिए तो गुड आफ्टरनून नमस्कार क्रिकेट के तमाम चाहने वालों का मैं अर्जुन राय हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब आपका, क्या शानदार क्या शानदार और क्या खूबसूरत क्रिकेट कमेंट्री चल रही है। और मैं देख सकता हूँ कि मेरे साथ बड़े खूबसूरत लबे लुआब के मालिक सीधे तौर पर शाहनवाज भाई जुड़े हैं पहली गेंद इस बार गेंद पर हवाई मार पर खेल रहा है और यहाँ कितने की कमाई बनी है। अरे यासिर भाई गुड्डू भाई क्या हाल है की कमाई और एक टी शर्ट बना है लेकिन अभी वही अपने जगह पर रहिए नाम लिखवा करके जाइए भैया। मैच के बाद ₹500 प्लस एक टी शर्ट मुझे लगता है फाइनल जब हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। यानी टी शर्ट अगर पाना है तो आज के दिन तक पूरा बना रखना पड़ेगा। फेमस फैशन पॉइंट हैट्रिक 3 विकेट लेने पर मोहम्मद आसिफ आजमी की तरफ से ₹200। पहली गेंद पर 6 रन लगे हैं, दबाव साफ साफ दिख रहा है। अच्छा अभी नाम उनका वापस आया है, कह रहे हैं कि उमेश यादव गैसवाला, उमेश कुमार गैसवाला। आप कहेंगे कह रहे उमेश यादव अंतर्राष्ट्रीय खेल रहा है, आप 100-200 उसको बुला लेंगे। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत कैच रहा, कुछ अंपायर से बातचीत चल रही है, कुछ विमर्श चल रहा है और मैं सुबह से देख रहा हूँ कि ये तीसरी या चौथी दफा है जब अंपायर की आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है अंपायर के ऊपर। लेकिन क्या कमाल का ये टूर्नामेंट सजाया है यहाँ अभिषाद भाई ने। और मैं देख सकता हूँ कि डॉक्टर सतराज अहमद जी हैं फैमिली हेल्थ केयर, आपकी भी तरफ से लगातार पुरस्कार दिए जा रहे हैं। दबस कप 2023 ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट 11 फरवरी को जब शुरू हुआ तो वैसा लगा कि शायद ये टूर्नामेंट रंगत न पकड़े, लेकिन जैसे ही 14 फरवरी बीती जितने भी राशिक थे मजनुओं की बाहों से बाहर निकल करके आए, सीधे तौर पर क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ जुड़ गए हैं। एक गेंद निकली है, स्कोर 6 रन हुआ है। शहजाद गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बतौर ओपनर आए हैं। पिछली इनिंग में शहजाद ने अच्छी बल्लेबाजी की, हारिस के लिए जेवर की अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद, पिछले तौर पर वजन झोंकते हुए गेंद को पाइन लेग की तरफ ड्राइव कर दिया। कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद सर पर जमीनी मार्ग से निकल जाएगी 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। स्कोरर बता रहे हैं कि जीतने के लिए कुल मिलाकर के टोटल 73 रन चाहिए 3 ओवरों में। साथी कमेंटेटर मैं देख सकता हूं कि शाहनवाज भाई आए हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुल
बहुत सारे मेहमान आए हैं, मैं देख सकता हूं कि न्यू गैलेक्सी मार्बल लुनारी से प्रोपाइटर्स तारिक भाई आए हैं, साकिब अजमी साहब आए हैं, अमृत लाल जी आए हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली दो गेंदों पर लगातार रन बने हैं, फेमस पैसर पॉइंट हैट्रिक, तीन विकेट लेने पर मोहम्मद आसिफ अजमी साहब की तरफ से ₹200 का पुरस्कार, भारी मैच पर तैयार, दो गेंदों पर 10 बने हैं। अगली छोटी गेंद फिर वही दिशा दे दी, कोई खिलाड़ी नहीं, दर्शकों के पास कमाई का मौका, लेकिन अभी जाया होता हुआ क्योंकि गेंद जमीनी मार्ग से गई है, एक और चौका मिलता हुआ। इन चार रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। इसी बल्लेबाज ने कहा है कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, और शहजाद वही है जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। जब ऐसा लग रहा था कि 78 बनाने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, वहां क्या कातिलाना बल्लेबाजी की है, क्या जाहिराना बल्लेबाजी की है, क्रिकेट के उतार चढ़ाव यहां देखने को मिल रहे हैं, और क्रिकेट में कमेंट्री का बहुत बड़ा रोल है, और क्या खूबसूरत कमेंट्री चल रही थी तारिक सिद्दीकी चौसन की तरफ से, निश्चित रूप से सलमान आजमगढ़ जोधपुर के लोगों को देता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञापित करता हूँ आप तमाम लोगों का। पिछले 3 गेंदों पर लगातार बाउंड्री आई है लेकिन कमाई का मौका नहीं, क्या हारे इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लेंगे अगली गेंद, और इस बार तमाचा चढ़ा है, गेंद सीमा रेखा की तरफ चली जाएगी, फ्लैट 6 6 रनों के लिए, 6-4 चमचमाती ट्रॉफी में देख सकता हूं कि विनर ऑफ 2023 मोहम्मद खान बखरा की तरफ से यह ट्रॉफी दी जा रही है। मैं देख सकता हूं कि चमचमाती ट्रॉफी, कल्पना करिए 18 गेंदों पर 73 चाहिए और शुरुआत की 4 गेंदों पर अगर आप सीधे तौर पर 20 रन बना ले तो दबाव साफ साफ दिख रहा है। गजब का यह टूर्नामेंट, ऐतिहासिक यह टूर्नामेंट बल्लेबाजों के लिए, बहुत कुछ है इस पिच पर, इसी बीच ओवर के अगले गेंद, इस बार नो बॉल का इशारा तो आना चाहिए, जी हां बिल्कुल नो बॉल का इशारा, और यहां से फ्री हिट मिल जाएगी, यहां से फ्री हिट मिल जाएगी, दबाव साफ दिख रहा है। मैं देख सकता हूं कि मंजीर पट्टी के ऊपर क्या कमाल की बल्लेबाजी की है हारिश ने, पहली गेंद को 6 रन के लिए भेजा, दूसरी पे 4, तीसरी पे 4, चौथी पे 6, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है, जहां पिछली इनिंग में शहजाद ने 45 रन बनाए जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे, इसी बीच अगली गेंद, इस बार गेंद को दिशा दे दी, दर्शक दीर्घा में गेंद चली जाएगी, नंदन आती हुई सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका, क्या कमाल की बल्लेबाजी है, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी है। शाहनवाज भाई के शब्दों को मैं कॉपी कर रहा हूं कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारे मुल्क का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। क्या कमाल का क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, क्या कमाल के अरेंजमेंट है, क्या 6 पे 6 लगेंगे अगली गेंद, और इस बार बीट होंगे, अपील की जा रही है, अंपायर से प्रश्न किया जा रहा है, एक खिलाड़ी को मैं देख सकता हूँ कि है तो भले छोटे करके लेकिन अभी हवा को चीलते हुए निकल करके स्लिप से आए, और अंपायर की आंखों में आंख डाल करके पूछ रहे हैं कि अरे व्हाइट कैसे दे दिला, गजब की ये टूर्नामेंट चल रही है। इसी बीच व्हाइट का इशारा आता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर के 26 रनों पर। उद्घाटन का सत्र सादिक तैयार साहब आ रहे हैं, आपका स्वागत है, इस गेंद के बाद जोड़ता हूं अभिषाद भाई को, इसे भी चल गई गेंद, इस गेंद पे आकाश मार कर भेजा, दर्शकों के पास कमाई का मौका, लेकिन वो जाया होता हुआ लहलाते हुए फसलों के बीच, एक और चौका, एक ओवर की समाप्ति के बाद 73 के जवाब में सबरहत की टीम का स्कोर कुल मिलाकर के 30, और कौन कह रहा था कि आजमगढ़ की टीम यहां से टूर्नामेंट जीत करके जाएगी, जौनपुर ने अपनी दम खम दिखाई है, क्या मेहनत की है, क्या मशक्कत, अब यहां से जीतने के लिए कुल मिलाकर के 43 चाहिए 12 गेंदों पर। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी ने क्या खूब कहा है धनंजय अर्जुन साहब कि जंग में कागजी अफसाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है, ऑन पेपर मजबूत टीम है लेकिन यहाँ पर जो दमखम दिखाया है, हिम्मत दिखाई है सिराजे हिंद के तमाम फनकारों ने, उसके लिए मैं तारीफ करता हूँ, क्या लाजवाब बल्लेबाज हारिश, और अब नसीम की बारी है, अगर यहाँ से नसीम का बल्ला चला तो फिर काम बनेगा टीम सबरहत जौनपुर का। अच्छा ये आइए मैच के साथ आपको जोड़ते हैं, एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 30 रन 12 गेंदों पर यहां से जीतने के लिए 43 रन चाहिए, लहलहाता हुआ यह तिरंगा केसरिया हरा और सफेद, गजब का टूर्नामेंट लग रहा है अभिषाद भाई, शानदार लग रहा है, और बिल्कुल जो है हमारे मुल्क की आन बान शान कह लीजिए, हमारे मुल्क की पहचान कह लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज लहला रहा है, नेशनल फ्लैग लहला रहा है, और अमन वफा का पैगाम राजनाम को लाया गया है, चोटी है चोट से जूझ रहे हैं, कैसी गेंदबाजी होगी देखा जाएगा, बल्लेबाज नसीम ने इस बल्ले को चलाया है, नीचे है शहजाद, क्या वापस जाना होगा, बहुत 72 विकेट में कह सकता हूँ इस वक्त खो दिया है टीम सबरहत जौनपुर ने।
नए बल्लेबाज कौन जाएंगे? आतिफ आज टीम का हिस्सा है नहीं, बाएं हाथ का बल्लेबाज। और आतिफ की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर बहुत बड़े जो है इतिहास उनके नाम है, लगातार पांच छक्का लगाया था पांच गेंदों पर। और ये सबराहत की टीम पिछले टूर्नामेंट की चैंपियन रही थी जब मोटरसाइकिल मैन ऑफ द, और मैं देख रहा हूं हमारे इस टूर्नामेंट में उद्घाटन करता की शक्ल में आवाज दी गई थी सादिक फैयाज को, और गर्मो झूठकी में इस वक्त प्रदेश की गलियों में है। उनकी जगह को पुर करने के लिए उनके बड़े भाई राजीव आए हैं, और थोड़ी देर में मैं राजीव साहब आप आ जाए नशीद मुंतजिर है आपकी, दाइस पर आ जाए। तो बहुत बड़ा विकेट मिला है इस वक्त शहजाद ने, सफलता दिलाई है। अब थोड़ा सा मुश्किल में दिखाई दे रही है टीम, क्या कोई दिक्कत है क्या भाई सालम भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। मुकीम पहुंचे हैं नए बल्लेबाज और पहली गेंद का सामना किया, फ्लिप के अंदाज में खेला है गेंद, लगभग जो है फील्ड कर ली गई। दो तीन टप्पे के बाद एक रन मिल जाएगा और इसी एक के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 31 रन। 73 रन बनाने हैं अभी भी, यहां से 42 रन की जरूरत 10 गेंदों पर 10 गेंद 42 रन। न्यू गैलेक्सी मार्बल नोनारी बाजार आजमगढ़ प्रोपराइटर जनाबे मोहम्मद सादिक साहब असारा, आपका शुक्रिया अदा कर रही है मुंतजमीन कमेटी, आपने अपना बेशकीमती वक्त इस टूर्नामेंट को दिया। तमाम मेहमाना ने इकराम का शुक्रिया, वक्त कम है, बारी बारी वक्फे से तमाम मेहमाना ने इकराम का नाम लिया जाएगा। लेकिन राशिक फयाज को देखा जा रहा है, तालियां बजाते हैं जोरदार इस टूर्नामेंट के आनबान शाह। नगली गेंद बल्लेबाज हारिस के लिए सिले गति की थी, इसलिए मैं जब विकेट गिरता है तब लगाता हूँ, या ओवर खत्म होता है तब लगा रहा हूँ, बीच में नहीं लगा रहा हूँ भाई। बल्लेबाज ने पूरा किया, एक रन से काम बनने वाला नहीं है धनंजय भैया, एक रन से अब काम बनने वाला नहीं है। अगर मुकाबले में बने रहना है लगातार आतिशी, हाँ फाइनल है आतिशी बात खेली होगी दोनों बल्लेबाज। इस मैच के बाद एक क्वार्टर फाइनल, दो सेमीफाइनल और फाइनल, चार मैच। चलो कि पहले ओवर की शुरुआत के 3 गेंदों पर 14 रन बने थे, अभी दूसरे ओवर में शुरुआत के 3 गेंदों पर महज 2 बने वाले मैच पर तैयार थे। ओवर के अगले गेंद लेग स्टंप के बाहर, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करूंगा कि बैट से है या नहीं, लेकिन जिस खिलाड़ी ने टोपी लगाई है जिसका चश्मा काला है मैं देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हूं, हवा को भेज देते हैं। ये सादिक साहब के जो है दोस्त है, कहीं ना कहीं जब खलीफ मुअल्लिम थे तो एक ही साथ रहा करते थे, अबू बकर बाबू राव कदम। सबराहत टीम अगर ये मुकाबला जीती है तो 5,000 रुपए का इनाम शमशेर भाई वैकरांगी केंद्र नोनारी की तरफ से दिया जाएगा। डॉक्टर सरफराज आजमी फैमिली हेल्थ केयर सेंटर प्रोप्राइटर ओनर कह लीजिए टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, आपका भी शुक्रिया। राजीव फयाज को देखा जा रहा है, शमशेर भाई को देखा जा रहा है, आसिफ भाई है, जुनेद भाई है, पप्पू भाई चिकन सेंटर, भाई जानता है इनके नामे नामी टूर्नामेंट को कराया गया। और वर्तमान प्रधान दुबावा श्री राम लखन साथ में, अबू अम्मार साहब और विद्वान भाई चित्रपुर, तमाम लोगों का शुक्रिया। अगली गेंद तो लाभ किया है और इस बार लगभग दो कार्नर के स्थान पर गेंद को गिरते पड़ते किसी भी हाल में गेंद को गिर किया, एक रन मिल जाएगा। अच्छा और एक के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ आगे की तरफ जा पहुंचा है 32 रन। सहारिया वाले के टाइम पे मुझे जाना है कहीं लाइव दिखाने के लिए, ये पूरे काफिले आजमगढ़ में रहता तो जरूर दिखाता, धनंजय भैया लेकिन 26 से मुझे जाना है रुधौली मैच दिखाने के लिए, पूरे ओपन टूर्नामेंट के लिए कि महफिल में चार चांद लगाने के बाद 27 उजाला हो रहा है और यहाँ पर खुशबू बिखेरी जा रही है, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगली गेंद क्या है, इस बार गेंद इस पार नहीं उस पार जाएगी और लेकर आएगी 4 रन और इसके के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 33 चाहिए। अनुचित रूप से अभिषेक भाई मुझे लगता है कि जहां कह दिया जाए कि बड़ी देर कर दी सनम तुमने, आते आते बड़ी देर कर दी, सच में अंतिम गेंद पर 6 मिले हैं, शुरुआत की 5 गेंदों पर मिले 39 का, 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर मैं देख सकता हूं कि 39 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 6 गेंदों पर। अच्छा एक गेंद बची है क्या जी, बिल्कुल 40 का। फैज आप थोड़ा सा दोस्त मैदान की तरफ रहे,
और मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है और लगातार जिसकी वजह से मैं माफी चाहता हूँ। भाई रुधौली शायद फैजाबाद अयोध्या कितने रनों की आवश्यकता है फैजाबाद के पास है अयोध्या धनंजय राय अर्जुन जो जौनपुर की सरजमी से चलकर आए हैं इस टूर्नामेंट में शोभा बढ़ा रहे हैं और साथ में अबू तालिब सिद्दीकी रामचर्षण को भी देखा जा रहा है। कमेंट्री फिलहाल जो कर रहे हैं वो अबू साद भाई की आवाज है, बाकी दो कमेंटेटर और कमेंट्री कर रहे हैं, तालिब सिद्दीकी 64 और धनंजय राय अर्जुन वो भी 64 के अगल बगल के ही है। हमारे इस तीन ओवर का मैच है। शमशेर आलम वैक्रांगी के नाली अगली गेट को लाफ किया है, गेट क्या इस पार होगी उस पार 500 दोस्त मैं तो कहूंगा इनाम कम कर दीजिए, इनाम कम कर दीजिए या फिर इनाम इतना लगा दीजिए कि कोई बच्चा अगर चोटिल होता है तो इलाज हो सके। बहुत बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कहा आपने, 6 गेंदों पर 33 जीतने के लिए, अब यहाँ से 5 गेंदों पर 27। भैया मोगली कहाँ खेलेगा, वो ग्राम सभा का थोड़ी है, आजमगढ़ का थोड़े है जो ग्राम सभा खेलेगा। 600 हो चुका है इनाम, 100 रुपए डॉक्टर सरफराज आजमी, 600 लगातार छक्का, लेकिन इस 100 के चक्कर में 2100 मत भूलिए हारिस भाई, स्ट्राइक वाले छोर पर है और हैट्रिक के चांस पर है, क्या इस चांस पर लगेगा छक्का, 2100 का इनाम आ जाएगा। होता 4 गेंद 21 रन 42 रन बनाकर खेलने अगर इस खेत पर धनंजय भाई छक्का लगा तो फिर मुश्किल में दिखाई देगी टीम मंजीत पटेल, लगातार 2 पर 2 लगाया है, अब 4 गेंद 21 रन, क्या इस गेंद पर छक्का लगेगा तो फिर आखिरी की 3 गेंद पर 15 की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा मुबशिर लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बार बार मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकीम को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मुबशिर किस तरह की गेंदबाजी करे, हैट्रिक के मौके पर है, हैट्रिक का चांस है, 2100 मिलेगा छक्का लगेगा तो फिर से खेला है हवा में गेंद, लीजिए पारी की पहली हैट्रिक, आज के दिन की दूसरी हैट्रिक और इस छक्के के साथ बल्लेबाज हारिस बिल्कुल अर्धशतकीय पारी के करीब पहुंचे हैं, 48 रन बनाकर खेल रहे हैं, जीत के लिए 3 गेंद 15 रन की आवश्यकता है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी स्कोरर सैयद सलाम नोनाली। 600 का इनाम हर क्लाउड के ऊपर, क्या लगातार एक और छक्का लगेगा तो फिर मुश्किल में फंसते हुए नजर आएंगे गेंदबाजों बशीर धनंजय भैया, अनिश्चित निश्चित तो 3 गेंदों पर 15 रन जगह जीतने के लिए दर्शकों के बीच जो कोलाहल मचा है ये क्रिकेट की सफलता को बजा कर रहा है और मेहमानों को मैं देख सक रहा हूँ की पसीने पोंछ रहे हैं और रन बनाए थे जुड़े हैं और मोहम्मद जुड़े हैं आप खेल के यहाँ पर आ जाए क्योंकि इनाम बहुत ज्यादा आ रहा है तो इनाम आप काउंट करते रहिए किसका कौन से खिलाड़ी का कितना इनाम है और फिर से लॉक किया है लीजिए वाह क्या कहेंगे धनंजय भाई मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है आउटस्टैंडिंग इनाम आया है सादिक भाई ने गैलेक्सी मार्बल की तरफ से 100 का इनाम हारिस के लिए 500 मोहम्मद खान बखरा की तरफ से 500 डॉक्टर सरफराज आजमी की तरफ से और 500 सुहेल आजमी MBBS की तरफ से 200 पप्पू भाई और 5000 का इनाम है एकदम छोड़ लिया लोगों में आसानी हुई ये राशिक भाई की तरफ से नाम आना चाहिए तो दोस्त ये इनाम काउंट करते रहे किसकी तरफ से कितना आ रहा है ताकि किसी का इनाम इधर उधर उधर ना हो दो तो अब 2 गेंद लड़ाई मुकाबले से जुड़ गई है थकल तेज हो रही है और इसका पक्का है गेंद का इशारा आ रहा है अंपायर का अब यहां से 2 गेंद 8 रन दर्शक थोड़ा सा शोर बोल ताली वाली बजाते रहे दोस्त बहुत मजा आ रहा है अगर इस गेंद पर छक्का लगा तो फिर 2 बॉल 8 रन मुबशिर को कि आप अपने कोटे की एक बाउंस पूरी कर चुके हैं अगर इस गेंद पर अतिरिक्त उछाल मिलेगा तो नोटिस दिया जाएगा। अनाउंसमेंट के लिए आपको वहाँ कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करना पड़ेगा। अभी 2 गेंदों पर यहाँ से 9 रन चाहिए जीतने के लिए 8 रन चाहिए जीतने के लिए मुकाबला फंसा हुआ है 1 गेंद निकली तो यहाँ से सबरहत की टीमों की सांस टूट जाएगी
यहाँ सबरहत की टीम हार करके मुकाबले से बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर एक बाउंड्री लगी तो निश्चित तौर पर हारिस ने अपनी टीम को जिंदा करके रखा है। अर्धशत की ये पारी खेली है, जरा आप कल्पना करिए 6 गेंदों पर 33 चाहिए जीतने के लिए और एक बल्लेबाज के ऊपर सारा दायित्व आ जाए। क्या कमाल की, क्या शानदार बल्लेबाजी की है। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ रही है, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिवादन, जुड़े रहिए। और लाइव टेलीकास्ट में देख सकता हूं कि कस्बा माहौल से चल रहा है। 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए जीतने के लिए हरीश जैसा, 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए जीतने के लिए। अगर सबरहत की टीम जीतेगी तो ₹5,000 यहाँ शमशेर भाई की तरफ से दिए जाएंगे। हरीश क्या कुछ कर पाएंगे, क्या ये गेंद नहीं टूट जाएगी, क्या सबरहत जीतेगी अगली गेंद। एक खिलाड़ी उसके नीचे, कमाई का मौका और यहाँ छोटी हो गया जी, नहीं पकड़ा है वहां पर, हुआ छेद हुआ, यहाँ मिलता हुआ गजब पैसा बरस रहा है भाई दर्शकों के ऊपर। आपके लिए है। 5 छक्का लगाया हरीश भाई ने और बाहर 600 रुपया क्राउड कैश। ये देखो देखो देखो, मारा मारी मची है क्राउड कैश के लिए। तो मैं माजरा चाहता हूँ, बैंक टूट जाएगा और हादसा हो जाएगा, आप लोग उतर जाए, दो बाय बाय हो जाए। अगर किसी को खराब लगे तो मैं माजरा चाहता हूँ, दोस्त उतर जाए, सारे लोग अपने हैं। एक गेंद दो रन, एक बॉल दो रन। आइए देखते हैं, सूझबूझ के साथ खेला है, पहला रन पूरा कर लिया, 4 रन, सबरहत जीत गई। व्हाट अ परफॉर्मेंस हारिस सबरहत, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ इनिंग भाई। ऐसी इनिंग कभी कभी देखने को मिलती है, ऐसी इनिंग कभी कभी देखने को मिलती है भाई, ऐसी इनिंग कभी कभी देखने को मिलती है। जो कमाल किया है हारिस सबरहत ने, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हारिस सबरहत, हारिस भाई। हारिस को उठाकर लाया जा रहा है और टूर्नामेंट का बहुत बड़ा उलट फेर, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। 33 रन की जरूरत थी और बनाया 34 रन, 5 छक्के लगातार, 1 नो बॉल और 1 चौका। मंजीर पटी जो दावेदार दिख रही थी टूर्नामेंट के चैंपियन की, और मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ आलिफ भाई, बहुत बड़ा उलट फेर। और जबरदस्त बैटिंग भाई, जबरदस्त। 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा रेस्ट कर ले। 14 बॉल 64 रन, कमाल की बैटिंग भाई, गजब की बैटिंग। 7 छक्का 5 चौका। और शमशेर आलम भी कहाँ है, ये क्राउड कैच लोनारी वालों के लिए नहीं है ना, ये बाहर से दर्शक के लिए। देखा ही कौन बात नहीं है, मिलेगा दोस्त। ये ऐसे ही मजाक में कह दी गई बात। जबरदस्त बैटिंग किया भाई, सबरहत जीत गई है। सबसे पहले ₹500, चलिए मिलते हैं अब अगले मैच में भाई। अब थोड़ा अभी मुझे लगता है कि पर्ची का सिस्टम होगा, उसके बाद कुछ आगे जो भी होगा। नहीं सरौली नहीं है भाई, सरौली नहीं है, जागापुर है, खेतासराय है, खंडवारी है, सबरहत है, दरियापुर बसई है। 5 टीमें बची हैं, आखिरी में 5 टीमों में पर्ची उड़ेगी, उसमें से 3 टीमें जो है सेमीफाइनल की पर्ची पाएंगी और 2 टीम जो क्वार्टर फाइनल की पर्ची पाएगी उनको पहले क्वार्टर फाइनल खेलना होगा भाई। अब क्या देखना है, हो गया मैच खत्म, हो गया, अब अगला मैच स्टार्ट होगा। कोई बात नहीं दोस्त, खेल में हार और जीत, मिलते हैं भाई अगले मैच में। आपने बेहतर खेला, 5 दर्शकों का दिल जीता, ये अलग बात है, आज दिन आपका नहीं है। जोरदार तालियां बजा दे शहजाद के लिए।